हेलो गाइस, मेरा नाम श्रुति अग्रवाल है। मैं आप लोगों को सेट थ्योरी पढ़ाऊंगी, मतलब कि मैं सेट थ्योरी के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट लेकर आई हूँ आप सबके लिए। ये एक्चुअली आपका 11th क्लास के कंटेंट से रिलेटेड है। 11th क्लास का जो सिलेबस है वो चेंज हो गया है, तो मैंने उसके बेसिस पर, उसके अकॉर्डिंग ही ये कंटेंट डिजाइन किया है। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सेट थ्योरी के सारे जितने भी इसके अंदर कवर होते हैं टॉपिक्स, वो सारे टॉपिक्स हैं। ओके, आज ये सेट थ्योरी के ऊपर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको पहले कंटेंट्स दिखा देती हूँ, मेरी प्लेलिस्ट के क्या क्या कंटेंट्स रहेंगे। आज तो हम सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ सेट्स होंगे, जिसके अंदर मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स बताऊंगी, जैसे कि नल सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है, ओके, सिंगलटन सेट होता है, ऐसी सबसेट्स आगे पढ़ेंगे उसकी नेक्स्ट वीडियो में। फिर उसके आगे हम ऑपरेशंस ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, जिसमें आता है यूनियन, इंटरसेक्शन, यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन, ये सब ऑपरेशंस होते हैं, ओके, जो उसके अंदर आते हैं। लॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ ऑन सेट्स के ऊपर भी एक वीडियो लाऊंगी मैं, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी, जिसके अंदर हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर लास्ट में लास्ट वीडियो होगी आपकी वेन डायग्राम्स में, वेन डायग्राम्स की, इसके अंदर हम मैं बताऊंगी कि किस तरह हम वेन डायग्राम्स के थ्रू सेट्स को रीड करते हैं। इसके दो दो सेट्स हैं, ए और बी, और ये एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर एक कवर हो रहे हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। जैसे कि सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हेडिंग आप देख ही रहे हैं, तो इसमें हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ सेट्स। एक्चुअल में सेट्स होता क्या है? सेट्स क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। इधर वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? ऐसा कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स का, मतलब मैं कहीं जाकर के बोलूँ कि ये चीज है, like कि कोई कलर बोलूँ, मैंने बोल दिया पिंक कलर बोल दिया, तो यू नो कि कौन से सेट को बिलोंग करता है। किस सेट को बिलोंग करता है? सेट ऑफ कलर्स। तो उसे वेल डिफाइंड कलेक्शन बोलते हैं, जिसके अंदर जिसका मैं कोई भी एलिमेंट बोलूंगी तो आप लोग बता पाओगे कि वो किसको, किस सेट को बिलोंग करता है। जैसे कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हो गए, तो इसके अंदर सेट ऑफ प्राइम नंबर्स में मैं कोई भी प्राइम नंबर बोलूंगी तो कोई, मतलब आप लोग डिफाइन कर पाओगे कि वो कौन से सेट को बिलोंग करता है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स को, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ फाइव, सेट ऑफ गर्ल्स इन योर क्लास। मान लीजिए हमने एक सेट ले लिया, सेट ऑफ गर्ल्स इन योर क्लास, तो इसके अंदर मैं नाम लिख लूंगी आपकी क्लास की गर्ल्स की, पिंकी हो गया, नेहा हो गया। इस सेट के अंदर आपकी क्लास की सारी गर्ल्स का नाम है, तो मैं क्लास में किसी भी एक गर्ल का नाम लूंगी तो आप बता दोगे कि वो कौन से सेट को बिलोंग करता है, सेट ऑफ गर्ल्स इन योर क्लास, ओके। तो इसके अंदर फर्दर हम पढ़ेंगे कि सेट्स के दो तरीके होते हैं, मतलब एक सेट इनफाइनाइट सेट्स होते हैं, एक इनफाइनाइट सेट्स होते हैं। एक कौन से होते हैं? इनफाइनाइट। फाइनाइट वो होते हैं जो काउंटेबल होते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, ओके। एंड इनफाइनाइट वो होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे कि पहले एग्जांपल लिया था मैंने सेट ऑफ प्राइम नंबर्स के अंदर प्राइम नंबर्स लेस देन फाइव, तो टू और थ्री प्राइम नंबर्स हो गए, सेट को हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, टू और थ्री प्राइम नंबर्स हो गए, वही लेस देन फाइव है, इसे मैं काउंट कर पा रही हूँ, टू और थ्री है। इनफाइनाइट सेट्स में मैंने ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये वन टू थ्री सो ऑन, ये मुझे नहीं पता कहाँ तक जाएगा ये सेट, जो नेवर एंड ना, अनकाउंटेबल, तो ये इनफाइनाइट सेट्स होते हैं। जो सेट्स होते हैं इन्हें हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम सेट को? सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे कि हमें कुछ नोटेशन तो पता ही है कि नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, रियल नंबर्स को आर से, क्यू से हम रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं, जो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होते हैं उन्हें क्यू प्लस से, जो नेगेटिव होते हैं उन्हें क्यू माइनस नेगेटिव को शो कर रहे हैं प्लस पॉजिटिव को। ऐसे इंटीजर्स हो गए तो इंटीजर्स को हम जेड से डोनेट करते हैं, तो जेड प्लस जेड माइनस, ठीक है, तो जेड से हम इंटीजर्स को डोनेट करते हैं, ठीक है, क्यू से हम रैशनल नंबर को डोनेट करते हैं, आर से हम रियल नंबर को डोनेट करते हैं,
और एन से हम नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं। ये तो बात हुई कि जो नोटेशंस हैं, जो रियल नंबर्स हैं, मतलब इनके तो ये सेट हो गए कि ये तो हमारी नोटेशंस हैं, ये मैथमेटिकल नोटेशन है, ये तो इसे डिनोट करते हैं। मगर कोई सेट मैं वैसे ही ले लूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया सेट ऑफ कलर्स, सेट ऑफ कलर्स ले लिया, तो इसे मैं सी से डिनोट करती हूँ। मतलब सेट जो होते हैं वो कर्ली ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, ठीक है, सेट ऑफ कलर्स। इसके अंदर मैं पिंक लिखा, पिंक हो गया, ब्लू हो गया, येलो हो गया, और मतलब इसके अंदर मैंने सारे कलर्स के नाम लिख दिए, और इसे मैंने सी से डिनोट, इसकी कोई नोटेशन नहीं है, मैं इसे वाई से भी डिनोट, बस ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ये किस में होना चाहिए? कैपिटल लेटर में, ठीक है। तो सेट्स को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, पहली चीज तो आ गई, सेट्स को हम कैपिटल लेटर से डोनेट करते हैं। फर्स्ट थिंग इज सेट्स को हम कैपिटल लेटर से डोनेट करते हैं, ओके। एंड सेकंड थिंग क्या हो गई, जो सेट्स होते हैं उन्हें हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, मतलब कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ठीक है, इन्हें बोलते हैं कर्ली ब्रेस, ओके, इनमें लिखते हैं हम उन्हें। अच्छा, अब आगे हमारा है कि सेट्स को हम दो तरीके से, दो मेथड है जिनके अंदर हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो मेथड्स है, एक होती है रोस्टर फॉर्म और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के अंदर हम कर्ली ब्रेसेस में डेफिनेटली बस कोमा लगा करके लिख लेते हैं डेफिनेट में कि क्या क्या हमारा सेट है, और सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर प्रॉपर स्टेटमेंट होती है कि मेरा सेट किस चीज का है, क्या है, मतलब इसमें हम स्टेटमेंट लिखते हैं, इसके अंदर हम एक्यूरेट नंबर्स, डिजिट्स, वर्ड्स ऐसे लिखते हैं, ओके। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पढ़ लेते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेकर समझा देती हूँ, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, दोनों में लिखकर दिखाऊंगी आपको मैं सेट्स को। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ले लिया मैंने सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 12, तो इधर तो मैं लिख दूंगी 2, 3, 5, 7, बस 4 ही होते हैं लेस देन 12 एंड 11, 5 हो गए, ये मेरा बस 5 होते हैं लेस देन 12 जो प्राइम नंबर होते हैं। अगर मुझे इसी चीज को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो मैं x से डोनेट करूंगी, मैं यहाँ कोई भी वेरिएबल ले सकती हूँ। ये ध्यान रखते हैं जो वेरिएबल लो ये स्मॉल लेटर होना चाहिए, इट शुड बी स्मॉल लेटर, ओके, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, वो एक प्राइम नंबर है, लेस देन 12, 12 से कम, तो इधर पूरा लिखोगे आप लेस देन 12, ओके, या फिर इसका तो यही तरीका, ये हो गया। इसका अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल लू सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7, ठीक है, तो इसे तो मैं यहाँ पर सीधा लिख दूंगी 7, 14, 21, 28, 25 एंड सो ऑन, ये तो नेवर एंडिंग है, मतलब तो इनफाइनिट है। अगर यहाँ पर मुझे इसी चीज को डिनोट करना है तो मैं कैसे लिखूंगी, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, तो मैंने y ले लिया इस टाइम, तो y इज अ मल्टीपल ऑफ 7, y क्या है, मल्टीपल है 7 का, ठीक है। तो ये वाला जो सेट है वो हम देखते ही बता सकते हैं कि इनफाइनाइट है, मुझे नहीं पता है कहाँ तक जाएगा, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं मुझे नहीं पता, तो ये वाला सेट क्या है, इनफाइनाइट, और ये वाला सेट क्या है, फाइनाइट, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं मुझे पता है, मैं काउंट कर सकती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, इसके अंदर 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ये फाइनाइट है, ओके। तो इस आज के लिए वीडियो में मैंने इतना ही रखा था कि मैं आपको सेट्स के बारे में बता दूं, ये एक्चुअल में क्या होते हैं, और उनकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में बता दूं कि इन्हें हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने आज की सेशन में क्या क्या पढ़ लिया, हमने सेट्स की डेफिनेशन पढ़ ली, एक्चुअल में सेट्स क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ओके। इस दो तरीके के सेट्स होते हैं, हमने वो पढ़ लिया कि सेट्स फाइनाइट भी हो सकते हैं और सेट्स इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, ठीक है। और हमने फिर इनके रिप्रेजेंटेशन में पढ़ लिया कि हम सेट को कैपिटल लेटर से डोनेट करते हैं, ये पहली चीज, दूसरी कि इन्हें हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, और तीसरी चीज जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जो लिखते हैं वेरिएबल जो भी लेते हैं ये स्मॉल लेटर होता है,
ये कभी कैपिटल लेटर नहीं होगा आपका, ठीक है, ये स्मॉल लेटर होता है। और हमने फिर इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन में फर्दर और पढ़ लिया कि मेथड होते हैं दो तरीके के, एक हमारी रोस्टर फॉर्म होती है, हम रोस्टर फॉर्म में सेट्स को लिखते हैं, और सेकेंड वन हमारी क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट्स को लिखते हैं। तो इस वीडियो में मैंने इतना ही आप लोगों के लिए रखा था। अब नेक्स्ट जो हम वीडियो आएगी उसके अंदर हम टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, मैंने आपको पहले सारे कंटेंट दे दिए हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा है और समझ आया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट कर सकते हैं, आपको कोई भी क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, या कोई सजेशंस देने हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को दी एजुकेशन बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।